इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और इसका जवाब इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। एंड आई प्रॉमिस आई विल टेक यू समवेयर। जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह है खूबसूरत तुलियन लेक और ये है हम दोनों, मैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त माय वाइफ आस्था। हम दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। देखो क्लाउड के सिक्स स्पीड से चल रहे हैं। हाँ यार। है ना कितना स्पीड से, क्योंकि पूरी वैली खुली है ना, तो हवा ऐसे विंड काफी स्पीड से लेके जाती है। इतना ज्यादा पसंद है कि हमें लाइफ में सिर्फ सामान नहीं इकट्ठा करना बल्कि एक्सपीरियंसेस जीने हैं। आस्था उधर देखो। आई मीन द मोमेंट्स लाइक दिस विच मेक्स अस फील कंप्लीटली अलाइव। वैसे हम दोनों यहाँ पहुंचे कैसे, तो ये कहानी और ये ट्रैक शुरू होता है पहलगाम से। What is guys, my name is Shakti and you are watching Traveling Mondays. We are in beautiful Kashmir, Pehelgam. और आज हम लोग जा रहे हैं तुलियन लेक ट्रैक पर, which is a high altitude track of Kashmir. और हम काफ़ी excited है, मतलब जो हमारा कश्मीर का ट्रिप है ना उसका मेन हाईलाइट यही था, इसी के लिए हम यहाँ पे आए थे कि बर्थडे पे हमें तुलियन लेक ट्रैक करना है, तो मज़ा आएगा। चलो हमारे साथ चलोगे ना, बताओ। और ये है आदिल भाई फ्रॉम टीम eTripTo.in जिनसे हमने अपना ये ट्रैक बुक किया है और आप भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा 32 किलोमीटर लंबा तुलियन लेक का ट्रैक शुरू होता है। 16 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना। कुछ लोग इसे एक दिन में करने की कोशिश करते हैं, विच आई विल नॉट रिकमेंड यू। स्टार्टिंग का जो रास्ता है ना वो काफ़ी पथरीला है, आप देख सकते हो, और ऊंचाई है कभी नीचाई है। मिसेस शेखावत वाज अ लिटिल सिक और थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन यही हमारे लिए पैरासीटामोल। सिरन लिखा हुआ है पिकनिक स्पॉट, एंट्री है यहाँ पे 30 रुपए की और हवा आ रही है बहुत ठंडी, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मेन पहलगाम से बाईसरन सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, सो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग दिस ट्रैक आप यहाँ तो बड़े आराम से आ सकते हो। किसी भी जगह पे आके ना यार समझ नहीं आता, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम समझ नहीं आता, क्योंकि यू वांट टू फील द प्लेस। सबसे पहले तो मैं उस जगह को फिल्म करता हूँ, है ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग में पहुँचते एक्साइटमेंट होती है ना वो थोड़ी देर बाद थोड़ी सेटल डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले तो वो करेंगे जो मैं हमेशा करता हूँ, आपको यहाँ पर लेके आना और फील कराना कि ये लैंडस्केप दिल में कैसा लगता है कि नहीं। तो चेक दिस आउट इन लाइक 3, 2 एंड 1। Take it slow, so that if you crash, you'll still come back home to me. To me, to me, to me. फिलहाल हम भाई सरन से निकल कर जा रहे हैं जंगल की तरफ और वहाँ से हमारा अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। और चलते चलते दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे थे कि लाइफ में कभी भी आप स्टक फील करो या लो फील करो तो बस निकल जाओ कहीं के लिए, उससे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे लेकिन माइंडसेट में पक्का आ सकते हैं, विच कैन डेफिनेटली इंपैक्ट योर लाइफ। दो चीज़ें भाई, एक तो व्यू बहुत अमेजिंग है, घोड़े चल रहे हैं, देवदार के पेड़, ग्रास लैंड, लेकिन भाई हमने इस ट्रैक को थोड़ा अंडरएस्टिमेट कर दिया था, हालत ख़राब हो गई चलते चलते और हम बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहे हैं, शूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार बैटरी बचानी है मेन स्पॉट के लिए। अभी बजे हैं दिन के 1:30 और अभी शायद 12,000 स्टेप्स ऑलरेडी कर लिए हैं, 12,000 स्टेप्स कर लिए और हमें अभी लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे और लग सकता है। अच्छे शूज़ लेके आना, हाँ। बहुत ज़रूरी है अच्छे शूज़ लेके आना। बहुत सारा चलने के बाद फाइनली हम आज के अपने स्पॉट के पास पहुंच गए हैं और लैंडस्केप बहुत सुंदर है और हाइट भी बहुत खतरनाक है और ठंडी हवा भी आ रही है। अब तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं फाइनली अपने बेस कैंप पे, यहाँ से थोड़ा और चलेंगे 1 घंटा तब जाके पहुंचेंगे हम लेक पे, पर हम सोच रहे हैं अब यहीं पर रुकेंगे क्योंकि अब यहाँ पर हमारे टेंट्स लग रहे हैं खुले में और अभी सिर्फ बजे हैं 4:30, तो यहाँ इस पूरे खुले लैंडस्केप के बीच में
हम बिताएंगे शाम। और लकीली हम बहुत सही टाइम पे पहुंच गए हैं आज, सो वी हैव द होल इवनिंग टू आवरसेल्व्स। और यहाँ पे मस्त चाय और चिल चल रहा है। तो अभी हम मिले हैं यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों से जो कि शेफ वुड्स एंड दे लिव हियर। यहाँ पे उनके पास बहुत सारी पश्मीना भेड़े हैं। आपके नाम क्या है बच्चों? रूफ। रूफ, हाँ। आपने कभी ड्रोन नहीं देखा ना? नहीं देखा, चलो अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये शॉट तो ऑनेस्टली सिनेमैटिक बी रोल के लिए लिया था, बट व्हाट वाज कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ ग्लेशियर एंड इट टेस्टेड समथिंग सो गुड। एक तरफ तो हम लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए कैंपिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ है ये नोमैडिक शेफर्ड फैमिली जो कि फुल टाइम ये एक्सपीरियंस कर रही है। तो मैंने उनसे फिल्म करने की परमिशन ली और उनसे एक काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। ओ आता ना, हाँ ओ खाता भी शेर भी आता, बालू आता, दोनों पटाखे काला उन महंगा ज़्यादा होता है क्या? ना सस्ता, सस्ता होता है। हाँ 20 रुपये को, 20 रुपये हाँ किलो, ये वाला 50 रुपये। आप यहाँ पे फोन वगैरह कैसे पहलगाम से कितना चार्ज? पहलगाम से चार्ज से हाँ तो एक दिन में खत्म हो जाता होगा। 4 दिन से बाद लेता वापस तो ये प्रोसेस फिल्म करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों की लाइफ में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। एक दुनिया में हम रहते हैं जहाँ वी गेट थिंग्स ऑन डोर स्टेप इवन बिफोर वी ब्लिंक इट, एट द सेम टाइम हमारी दुनिया से बहुत दूर कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ों में अब भी कुछ रेयरेस्ट लोग बचे हैं हु आर स्टिल कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड लिटरली सर्वाइविंग विद देम इन मिडिल ऑफ दिस हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। कैमरा के सामने कंफ्यूज हो रही है, लहर आ गई है भेड़ों की। एंड नाउ कम्स द ग्रैंड सीन जब सारी भेड़ू इकट्ठी होती हैं। आज तो उधर देखो, होली मदर ऑफ गॉड्स, कैमरा के पास कंफ्यूज हो रही है, वो देख रही है एक। हेलो हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। मोमेंट है भाई, मोमेंट है, उसको देखो। क्यूरियोसिटी, क्यूरियस शीप्स। देखो यार आप अभी का सेटअप देखो आप, मतलब पहाड़ों के बीच में हम कहीं पे बैठे हुए हैं, ये हमारा कैंप है, इधर नदी है और नदी के दूसरी तरफ है 600 भेड़े। सुबह में इसी साउंड के साथ उठे हो सकते हैं, तो कल आराम से 5 मिनट। हाँ हाँ आराम से, आज मेडिटेटिंग स्लीप आएगी अपने को, जो अपन फोन में चलाते हैं ना। अभी आग वाग जल गई, अब चलो आग देखते हैं, इसको सेकते हैं। तो
बॉयज ने बॉनफायर लगा दिया है एंड वी गॉट सम पनीर फ्रॉम द नेबर्स। एंड दैट्स अबाउट दिस नाइट, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाओ मम्मी जी, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बेटा, और साथ में पकौड़े भी। वाओ गाइस, मस्त रात को नींद आई यहाँ पे पानी की आवाज़ के साथ में। आज हम जाएंगे तुलियन लेक ट्रैक पर। ये कश्मीर आए थे, अभी ब्रश वगैरह करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर जाएंगे तुलियन लेक। मेरे लिए कैंपिंग का फेवरेट पार्ट होता है शामें और ऐसी स्लो सुबह, स्पेशली व्हेन यू वेक अप बिफोर द सन। तब आपके पास काफ़ी टाइम होता है टू फील द मॉर्निंग। तो चाय वाय बनाई जा रही है यहाँ पर, मस्त एकदम। एंड मीनवाइल आई शॉट दिस व्हिच लुक्ड लाइक अ मूविंग सीनरी टू मी। All right, ladies and gentlemen, तो ब्रेकफास्ट रेडी है। मेन्यू में है चाय, सैंडविच और मैगी। चाय के मज़े। बटन ही लगा रहा है तू। बटन खत्म। कैफे की सिटिंग आउटडोर है और नज़ारे डिलीशियस। सुबह उठ के हम लोगों ने चिल मारा, जैसा कि आपने देखा बहुत ही खूबसूरत समय बिताया, ब्रेकफास्ट किया, अब सारा सामान यहाँ से रैप हो रहा है। ओके गाइस, नाउ लेट्स लीव फॉर द प्लेस वी केम फॉर, तुलियन लेक, लेट्स गो। तो अभी यहाँ से डिस्टेंस वाइज लेक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड में थिन ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से ये पार्ट भी काफ़ी चैलेंजिंग है, मतलब आराम से 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन लैंडस्केप देखो यार, कितना सुंदर और ड्रीमी है। क्या हाल है भाईजान? थक गए बहुत। फिर भी थक गए ना? फिर भी थक गए। बाकी ऐसा कुछ लैंडस्केप है, अगर आप तुलियन लेक की वीडियो सर्च कर रहे हैं कि कैसा रास्ता है, तो भाई ऐसा रास्ता है। मंजिल दिख रही है लेकिन ऐसा लग रहा है पत्थर, ऐसे पत्थरों की नदी बह रही हो। एक बहुत ज़्यादा रिज दिख रहा है, ग्लेशियर भी दिख रहा है, इधर झरना आ रहा है एक। ये ट्रैक उन लोगों के लिए है जिनको ट्रैकिंग पसंद है, क्योंकि ये मेहनत मांगता है ट्रैक, मतलब सच में मेहनत मांगता है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप आओ, आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो तो मस्त सोफे में बैठ के मुझे करते हुए देखो, मैं दिखाऊंगा लेक। और अब हम स्टोन्स की बड़ी से रिच लाइन के काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं। हमें 60 साल वाला बंदा भी मिला और 8 साल वाला बंदा भी मिला,
तो मतलब कर तो सब सकते हैं, धीरे धीरे आओ, रुको, फिर चलो, फिर रुको, फिर चलो, ऐसे ही होता है भाई। वाओ ग्लेशियर, वाओ लेक थोड़ा आगे से दिखेगी शायद हमें। ओह लेक दिख गई है, ये हो And here is first glimpse of pristine Tulian Lake at 12,000 feet above sea level. Covered by giant glacier mountains ranging above 15,000 feet. वाओ, चारों तरफ हमारे हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर है, इस मैजिक। ऐसा लगता है कि शिव जी कहीं रहते होंगे तो कहीं ऊपर रहते होंगे। मुझे लगता है सबसे बड़े गॉड है नेचर, प्रकृति। अगर हम इसको सेफ रखेंगे तो ही है भाई सब कुछ। खत्म हो गए शब्द, अभी भी मैं सोचा था कैमरा पे थोड़ा व्लॉग कर लेता हूँ, अब सच में खत्म हो चुके हैं शब्द। यही है यार जन्नत, वी आर सो ब्लेस्ड टू बी हियर। बाकी मुझे लगता है आस्था कि जो ट्रैवलिंग मंडेज फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कि एक बारी मैंने 3-2-1 बोला तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा उनका। नहीं सही बात, सो अपने घर वालों को बुला लो, सबका आवाज दे दो, मम्मी मम्मी आ जाओ, आने वाला है 3-2-1 भाई। अब ये बहुत अमेजिंग आने वाला है, ठीक है, इन लाइक 3, क्योंकि शब्द खत्म हो गए, अब शब्द है नहीं, अब सिर्फ विजुअल्स हैं, फीलिंग्स हैं और ये म्यूजिक है जो शायद ये फीलिंग दे पाएगा कि हमें यहाँ कैसा लग रहा है, ये जगह कितनी खूबसूरत है। ठीक है, इन लाइक 3-2-1 आ रहे थे तो हमें रास्ते में कुछ शेफर्ड्स के बच्चे मिले थे जिन्होंने हमें बताया कि वो लेक के भी ऊपर वाले पहाड़ों में कहीं रहते हैं, विच वॉज इम्पॉसिबल टू बिलीव अंटिल आई सॉ देयर कैटल्स इन माई ड्रोन शॉट। और अब हम आ गए हैं लास्ट स्पॉट पे जहाँ दोनों तरफ हमें लेक दिखाई देती है। गाइस ठंडा बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पे स्पॉट पे, बट इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। और इसके बाद में वापस जाएंगे, वापस में शूट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपको पूरी तुलियन लेक दिखा दी है। तो
बस आखिरी शॉट के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जब भी अच्छी लगी पूरी वीडियो में जब भी अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड विद दिस बींग सेट आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप चिलिंग कीप एंजॉइंग एंड डू नॉट फॉरगेट बाबा यू आर beautiful.